2021 के शुरुआती दौर का ये सिलसिला कितना तकलीफ दे गुजर रहा है आप भी जानते हैं। बीते मार्च के महीने में राजीव कपूर का निधन हुआ और एक महीने ही गुजरे हैं कि दूसरे महीने पूरा होने से पहले ही आ गई है स्वर्गवासी कादर खान के बेटे को लेकर ये दुख भरी खबर। जी हाँ, कादर खान के सबसे बड़े बेटे का निधन हो गया है। कनाडा से आई है ये दुख भरी खबर अब्दुल कुदुस को लेकर। कादर खान के सबसे बड़े बेटे अब्दुल कुदुस, जो कि कादर की पहली पत्नी के बच्चे थे, जो अब हमारे बीच नहीं है। ये आप जानते ही हैं कि कादर खान के तीन बेटों के साथ कादर अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस कनाडा में 3 साल पहले लेकर हमेशा के लिए हम सबसे दूर चले गए थे। वहीं रहते थे उनके बड़े बेटे कुदुस। सरफराज उनके बेटे ने भी इस बारे में बात की। शहनवाज और सरफराज कादर खान के वो दो बेटे हैं जो बॉलीवुड में भी नजर आए। तो वहीं कादर खान के बड़े बेटे कुदुस के बारे में आप कम ही सुने होंगे। एक प्रोलिफिक स्क्रीन राइटर कादर खान, जिन्होंने 70 के दशक से लेकर 90 के दशक तक जबरदस्त फिल्में दी। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था साल 2018 में ब्रेथलेसनेस के इशू की वजह से। दिसंबर में 28 तारीख को उनका निधन हुआ था। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि 31 को जिंदगी के अंतिम रात को लेकर दुख जाहिर करते हुए उनके बेटे ने उन्हें अंतिम विदाई भी दी थी। आईएसए ने मॉस्क में उनका अंतिम संस्कार रखा गया और अब उनके बेटे को लेकर ये दुख भरी खबर आई है। कादर खान के सबसे बड़े बेटे हमारे बीच नहीं रहे, अब कनाडा में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी अफसर थे अब्दुल कुदुस, जो कि अब हमेशा के लिए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इसकी जानकारी इंस्टाग्राम पर एक बड़े फोटोग्राफर ने दी है। हालांकि मालूम नहीं चल पाया है कि उनके निधन की असली वजह क्या है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति रिपोर्ट।